हम लोग वेलकम टू चैनल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज ही हम आईयूबी में आए हुए हैं। मैं आईयूबी का स्टूडेंट हूँ और आज हमारे साथ स्कूल ऑफ फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सईद अहमद गुजार साहब मौजूद हैं और आज हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। असलम कैसे सर? शुक्रिया आप अलहमदिल्ला। सर आप हमें बताएँ कि आईयूबी में ये स्पोर्ट्स वाला जो हो रहा है तो ये नए आने वाले बच्चों के लिए इसमें क्या क्या फिजिकली फायदा? देखिए ये आईयूबी में तो खैर होते रहते हैं, ये हर डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का स्पोर्ट्स गला जो हो रहा है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इतना बड़ा हो गया है कि पहले एक दिन का होता था, फिर पिछले साल से हमने इसको दो दिन की एक्टिविटी लेके आए हैं। जी सर, इस दफ़ा हो सकता है हम तीन दिन तक भी चले जाएँ, क्योंकि दो दिन तो हमारे इंस्टीट्यूट होगा, तीसरा दिन हम फैकल्टी लेवल पे चले जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस रफ्तार से हमारे डिपार्टमेंट की या इंस्टीट्यूट की जो तादाद अच्छी जा रही है, तो हो सकता है हम मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स वीक भी कराएं। बेशक, और ये स्टूडेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट यहाँ किताबें पढ़ने नहीं आते, बल्कि यहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सीखने आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो सबक ग्राउंड में उनको मिलते हैं ना, वो किताबों में नहीं मिलते, वो क्लासरूम में नहीं मिलते। जी सर, यहाँ पे वो लड़ते हैं, लड़ना सीखते हैं, जीतना और हारना, यानी ग्रेसफुली हारना भी एक लर्निंग है। सर बिल्कुल, ठीक है। और जीत के अपने आप को एक कंपोज रखना भी एक लर्निंग है। सर बिल्कुल, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक लर्निंग है, इवेंट मैनेजमेंट एक लर्निंग है। तो इन सारी लर्निंग के लिए ये एक्टिविटीज़ हम अरेंज करते हैं। जी जी, और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। सर बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुश रखें। सर एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दे दें जो हम आपसे इंस्पायर रखे। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करें कि माशाल्लाह दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस एज में आप लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला एज है, इसको बेहतरीन यूटिलाइज़ करें, बेहतरीन यूटिलाइज करें, और इंशाल्लाह छा जाए दुनिया पे। सर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हर मैदान फतेह कर, हर मैदान आपने मैं टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर साहब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के डॉक्टर आमिर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी एक यूनिवर्सिटी में हमारे इंस्टीट्यूट में नाम है। सर हमारे ऑडियंस के लिए दो बोल आप। देखें जी, स्पोर्ट्स गाला के हवाले से मैं बात करूँगा। यहाँ पर सब लोग एक्टिव हैं और एज अ फिजिसिस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि हमें जिस मैदान में भी खड़ा कर देते हैं ना, हम उसको जीत लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेशक। ये आप सब लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो हम इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारी कोशिश यही है कि हम दुनिया के हर मैदान को जीतना, इंशाल्लाह हम उसको चेस करेंगे। बेशक सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं एम फिल सेकेंड में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले साल में मैंने ये स्पोर्ट्स का अटेंड किया है, इस दफ़ा मैंने जब अटेंड किया ना, इसमें ज़्यादा बेहतरी है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सीटिंग भी अच्छी है, और ये इसका सर मुझे वजह है। डेफिनेटली नए आने वाले स्पोर्ट्स के लिए हम बेहतर से बेहतर की तरफ हम चलते हैं, और स्पोर्ट्स ये स्टूडेंट्स को क्या है, फर्दर हेल्दी माइंड है, अच्छी सोच, अच्छी रिसर्च और अच्छी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो हर साल हम अपने डिपार्टमेंट में आई हुई इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज को नॉरिश करें, ताकि हमारे बच्चे ना सिर्फ लोकली एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स में अपना परफॉर्म करें, बल्कि इन्हीं से बच्चों स्पोर्ट्स ही हम आगे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको प्रेजेंट कर सकें, और हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का नाम पैदा कर। इसके लिए सारे देखिए आप स्टार लगे हुए हैं, वर्षा सबके चेहरों पर रौनक नजर आ रही है, तमाम स्माइली फेस आपको नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ से कोरोना से निकल कर एक पूरे पीछे फर्दर हम क्या है आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ स्टूडेंट्स के अंदर सोशलिज्म क्रिएट करती है, आपस में भाईचारा और आगे बढ़ने की उम्मीदें और इतना कुछ प्रोलिफरेट करती है स्टूडेंट्स के अंदर, जो डेफिनेटली ये तमाम एक्टिविटी हमारी क्या है कि पॉजिटिव एक्शन की तरफ और यही हमारा टारगेट होता है, इसी को ही हम हर साल क्या है हेल्थ करवा। ठीक है सर, हमने आपको ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के माया नाज टीचर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू ले लिया है, और हमें इन्होंने बताया कि हमारे इस बच्चों को बेहतर से बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए, और जैसे कोरोना के बाद हालात थे, हमने उसको बेहतर लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इकदाम उठाए हैं, और माशाल्लाह स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेप है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर आगे लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।